महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण शुद्धि हेतु नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ व पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ पिछोर पर किया गया। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में पधारी हुई टोली के स्वजनों के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पर्यावरण शुद्धि हेतु सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों उन्मूलन, लोक कल्याण आत्मकल्याण हित के लिए कार्यक्रम हो रहे। पर्यावरण का शुद्ध करने हेतु सद विचारों का समावेश हो, इसके लिए यह नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ गायत्री शक्तिपीठ पर किया जा रहा है, जिसमें सद प्रवृत्ति का समागम सभी मनुष्यों में हो, मनुष्य में देवताओं का उदय हो, धरती पर स्वर्ग का वातावरण बने, ऐसी भावना से यज्ञ किया गया। इसके साथ एडवोकेट रामदास जी एवं उनकी पत्नी ने अपने माता पिता की स्मृति में शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई है और आज पूर्णाहुति हुई और प्रसाद वितरण हुआ। पिछोर गायत्री मंदिर पर नवकुंडीय यज्ञ जो किया गया, यहाँ पे दीक्षा संस्कार भी किया गया और आज भंडारा भी किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण शुद्धि हेतु नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ का यहाँ से आयोजन किया गया। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में पधारी टोली बनारस से हमारे दिव्य जी आए थे। वो सत्प्रवृत्ति संवर्धन है, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन है, सदविचारों का समावेश लोगों में हो या जन जागरण जन जन तक पहुंचाने का यज्ञ के माध्यम से विचार था। प्रज्ञा पुराण की पावन जो कथा हुई थी उसमें भी यही विचार है कि सदविचार हों, सदकर्तव्य हों, इसके लिए कार्यक्रम सतत होते रहते हैं और समूचे भारतवर्ष में ही नहीं अखिल ब्रह्मांड में सभी जगह होते हैं और गायत्री शक्ति की ऊपर हुआ है, साथ में महादेव की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम।